सो गाइस, कल मॉर्निंग का वीडियो ये मेरा है। यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और चलते हैं ऑटो कमेंट पिकर पर और देखते भाई आज का विनर जो है कौन है। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं वो यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर पर। यहाँ पर पेस्ट करते हैं लिंक और पेस्ट करते हैं फिर से पिच और देखते हैं भाई किसका नाम निकल कर आता है भाई आज का लक्की विनर कौन है। भाई सच बात बताऊँ तो मेरे यहाँ पर तो इंटरनेट स्लो चलता ही चलता है, बट आज इतना स्लो है भाई कि मतलब बताने वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्लो इंटरनेट है भाई आज तो। देखते भी कितना यहाँ पर से कमेंट्स आ जाता है। बहुत ही कम कमेंट्स होना चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पर से उस वीडियो में व्यूज आया ही नहीं था ज़्यादा, तो कमेंट्स ज़्यादा आने का मतलब ही नहीं बनता है। सो गई, टोटल कमेंट यहाँ पर से हो चुका है 1696 कमेंट्स। अब करते हैं पिक विनर पे क्लिक और देखते हैं भाई आज का विनर कौन है। तो यहाँ पर से निकल के आ चुका है DIP गैमर। नाइस वीडियो इसने लिखा है और फाइनली इसने अपना आईडी भी चिपका कर रखा। तो सिंपली मैं इसका आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर से, और कॉपी करने के बाद भाई चलते हैं यहाँ पर से, इसको मैं टॉप अप कर देता हूँ भाई। तो किधर गया भाई, टॉप अप सेंटर यहाँ पर आ चुका हूँ। फ्री फायर पे क्लिक करते हैं, प्लेयर आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से मैं पेस्ट करके से लॉगिन कर लेता हूँ फाइनली। तो यहाँ पर से आ चुका है एलन वकर्ड। यहाँ पर से पेटीएम पे क्लिक करते हैं और आप देख पे यहाँ पर से 50 से 100 डायमंड मिल जाएगा। अगर ये मेरा रेगुलर वीडियो देखता है तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ये 100 डायमंड कहाँ से आया है। बट इसको अगर पता नहीं है, इसकी अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कमेंट पर अपना नंबर चिपका के चला गया, तो इसको पता भी चलेगा इस आईडी में 100 डायमंड कहाँ से आ गया। तो क्या अगर आप भी पाना चाहते हो 100 डायमंड बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए नाइस वीडियो और अपना गेम का UID पेस्ट कीजिए और आप भी यहाँ पर से जीत सकते हैं 100 डायमंड। यहाँ पर से डेली बाय डेली गिव अवे होता है, यहाँ पर हर रोज़ एवरीडे यहाँ पर से गिव अवे होता रहता है, किसी न किसी पर्सन को यहाँ पर से हर रोज़ यहाँ पर से मिलता ही रहता है डायमंड। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट पर लिखिए नाइस वीडियो और अपने गेम का UID भी पेस्ट कर दीजिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो गाइज, थंबनेल देख के आप लोग थोड़ा सा आज शॉक्ड हो गए होंगे, अब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर से एक्साइटेड होंगे कि आखिर वीडियो के अंदर है क्या और थंबनेल में जो है वो रियल में वीडियो के अंदर है या नहीं है। तो फाइनली जो थंबनेल पे आप देखें, वीडियो के अंदर भी आप लोग वही कंटेंट देखने में मिलेगा और वही चीज़ हम लोग बताने वाले हैं। गाइज, आप सबको पता होता है कि यहाँ पर से गरेना के पास सब हर चीज़ का अवेलेबल है, मतलब गरेना के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। बट वो थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मतलब हर चीज़ को डिटेल्स में देना नहीं चाहता है और हर चीज़ को वो गेम के अंदर जल्दी लाना नहीं चाहता है। तो फाइनली यहाँ पर से हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर कुछ न्यू इवेंट्स के बारे में एंड साथ साथ कुछ अपडेट्स के बारे में। तो उससे पहले बता दें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर से इवेंट्स की बनने वाले। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको कुछ टाइप का कोई इवेंट देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर लेफ्ट साइड में सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर आपको नीचे में आपको 100 डायमंड देखने के लिए मिल रहा है और राइट साइड में आपको एक बंडल देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस, फाइनली आपको ये वाला इवेंट बहुत ही जल्द कैंप के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इंडियन सर्वर पाएगा तो हर कंट्री का जो डायमंड होता है ना, डायमंड रेट वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंडिया में जब आएगा तो ये मेरे को लगता है कि 9 डायमंड से स्टार्ट होगा, उसका दूसरा जो होगा 29 डायमंड का और तीसरा जो होगा वो 59 डायमंड का होगा। यानी कि जो हम लोग का पहला होगा वो 9 डायमंड का, फिर 29 डायमंड का, फिर 59 डायमंड का, हम लोग 3 सेक्शन बना हुआ रहेगा लेफ्ट साइड में। उसको लेफ्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलता है सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला में आपको यहाँ पर से स्पिन करना पड़ेगा उसको। जो ये जो आपको बंडल दिख रहा है, बंडल पर इसका हेड शॉट लगेगा, जब आपके इस बंडल पर हेड शॉट लग जाएगा तो आपको यहाँ पर से ये बंडल मिल जाएगा। और उसको बॉडी शॉट लगता है, फिर कहीं भी हेड से नीचे लगता है तो आपको वहाँ पर से MP40 का स्किन मिल सकता है, जो उसको डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली ये चीज़ होगी, ये इवेंट आपको बहुत ही जल्द कैंप के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जितने भी लोग हो भाई, डायमंड अपना सेव करके रख लो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर से बंडल भी देखने में सही है और देखने में अच्छा लगता है। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कि एक बार हम लोग एक इवेंट आया था जहाँ पर से हम लोगों को गोल्ड रॉयल का जितना भी बंडल्स था, लगभग टोटल बंडल बंडल दिया गया था, एक दो बंडल छोड़ के टोटल बंडल यहाँ पर से हम लोग गोल्ड रॉयल का बंडल जो वहाँ पर से दिया गया था, एक डे मतलब उसका निकाला था, जहाँ पर से बताया गया था कि स्टार्टिंग टू एंड तक जितना भी गोल्ड रॉयल आपका आया है टोटल देखने के लिए मिलेगा, बट उसमें 2 बंडल हम लोग वहाँ पर से नहीं दिया था। बट उसी टाइप का यहाँ पर से आपको एक न्यू लक रॉयल जिससे आप लेकर से रिटर्न देखने को मिलता है ना, उस टाइप का यहाँ पर से रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ओल्ड वाला यानी कि जो स्टार्टिंग में इलाइट पास में आया था ना, आई थिंक मेरे को सीजन 9 तक जितने भी यहाँ पर से बंडल है, सीजन 1 टू सीजन 9 तक जितना भी आपको बंडल है टोटल बंडल यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ही सही है, मेरे को तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पर सबको सीजन 1 का जो सकर वाला ये था बंडल था वो मिलेगा, सीजन 2 का मिलेगा, सीजन 3 का मिलेगा, सीजन 4 का मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको जितना ओल्ड वाला जो पहले हम लोग का आया था ना भाई, जब इलाइट पास लोग करते नहीं थे, जो रेयर आइटम है बिल्कुल रेयर आइटम टाइप का, वो वाला बंडल आपको यहाँ पर से फाइनली देखने के लिए मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, बट गरेना सबसे पहले एक सर्वर पर टेस्ट करता
और ये सब जो इवेंट होता है ना, ये सब ग्लोबल इवेंट होता है। तो गारेन अपने सबसे पहले एक सर्वर पर टेस्ट करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट देखता है कि भाई इस सर्वर पर मैंने जो यहाँ पर इवेंट दिया कितना इनकम हो, उस सर्वर से हम लोग का अर्निंग जो है कितना ज़्यादा अर्निंग हो गया। तो अगर हम लोग दूसरे सर्वर पर देंगे इतना मेहनत करके तो हम लोग को ज़्यादा पैसे ज़्यादा अर्निंग आएगा या नहीं, अगर लोग इसमें ज़्यादा डायमंड वेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से फाइनली आप देख पा रहे कि यहाँ पर से आपको हर जो स्टार्टिंग में एलर्ट पास आता है ना भाई, हर स्टार्टिंग के एलर्ट पास यहाँ पर आपको बंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली आप कमेंट बताना मेरे भाई कि आपको यहाँ पर जो एलर्ट पास का बंडल अगर चाहिए तो इनमें से आप कौन सा बंडल लेना चाहेंगे, सीजन 1 का, सीजन 2 का, सीजन 3 का या फिर सीजन 4 का। एंड आप लोग कमेंट बताना भाई कि आपके पास कितना इस सीजन तक के एलर्ट पास आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड इसमें एक दुखी वाली बात यही है कि इसमें जो आपको बंडल्स मिल रहा है ना भाई, तो ये जो आपको एक स्पिन का 1999 डायमंड्स लगेगा, इसमें से आपको कोई बंडल नहीं कर सकता। ये कन्फर्म नहीं है कि आपको सीजन 1 का मिलेगा, सीजन 2 का मिलेगा, इसमें से यानी कि जितना भी बंडल आपको दिख रहा है इसमें से 1999 डायमंड का आपको एक स्पिन करना पड़ेगा, जिसमें से आपको यहां पर से कोई भी एक बंडल निकल सकता है। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई आप लोग फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, तो पहले बता देते मैं, थोड़ा सा आप वेट कर लो मेरे भाई, अगर आता है तो भी सही है, नहीं आता तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिसको उसको डायमंड सेव करना भी डायमंड सेव कर लो, वरना यहाँ पर से आपको जो मौका है अगर आ भी जाता है तो कुछ दिन के लिए आएगा, तब तक आपको यहाँ पर से मौका जो है वो छूट जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलता है अगले वीडियो में।